क्योंकि आपकी तो बहुत उदार है। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, नहीं, मेरी शुभकामना है इंडिया टीम के लिए। मन से मैं ये चाहता था कि मैच नहीं, सचिन बिरला का पूरा राजनीतिक जीवन है। अरे यार, ये कौन है? राजनीतिक भविष्य की कांग्रेस में है ही नहीं, और सचिन जी अगर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, मैं इसे कोई आश्चर्य नहीं मानता, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। भविष्य अगर इस देश के अंदर किसी राजनीतिक दल का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी के नेतृत्व में देश में। महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर हो गई है, क्या कहें, बहुत ज्यादा है। गरीब महंगाई को महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसा है कि दुनिया बहुत छोटी है, इन जमाने में नीचे कर वो नहीं माने। यदि कोई चीज दिखाओगे बांग्लादेश में सस्ती है, तो यहाँ पर खंडवा का रहने वाला व्यक्ति बांग्लादेश से मंगा सकता है। पहले वर्ल्ड बहुत बड़ा, दुनिया बहुत बड़ी थी, आजकल एक टेक्नोलॉजी हो गई, ग्लोबल विलेज, दुनिया एक गांव। आप कहीं पर भी बात सकते हैं, मैं भी आपके सामने पत्रकार रूप से चर्चा कर रहा हूँ, अमेरिका में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है, सुन सकता है, रिलीज कर सकता है। इसलिए दुनिया बहुत छोटी हो गई। दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से कोविड से खराब हुई है, उसका असर भारत में भी, और इसलिए अब महंगाई को रोकना ये किसी अकेले देश के रोकने की बात है, ठीक है, पर हाँ, इसके साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करना ये उस देश की जवाबदारी है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की कोविड की महामारी के बाद भी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कल ही कहा, परसों ही कहा कि भारत की GDP अब 8 से 10 तक जंप करेगी, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की जो सुदृढ़ व्यवस्था है उसका सीधा उदाहरण है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार अभी दिवाली पे बाजारों में भीड़ हो रही है, जिस प्रकार लोग त्यौहार मनाने में उत्सुकता आ चुका है, ये कोविड का भय भी समाप्त होगा, अर्थव्यवस्था का चक्र चलेगा और देश की जो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।